नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे ऑपरेटर की तीसरी कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो इन ऑपरेशंस को भी हम परफॉर्म करते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली इनका यूज तब किया जाता है जब आपके पास एक टाइम पर दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हों, और उन कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट एनवायरमेंट में ये डिफरेंट रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है। तो हम ये चेक करते हैं कि किस तरह से उस वर्किंग को ये परफॉर्म करेगा। बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास हैं, ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम डबल एम परसेंटेज के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब आपकी सभी कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ए एड्रेस ऑपरेटर बी, तो ये कब रिटर्न ट्रू करेगा? जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। मैं आपको टेबल के अंदर दिखा रहा हूँ, तो मेरे पास जो लेफ्ट ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड है और रिजल्ट है। मैं लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन रख देता हूँ, इफ यूजर नेम पासवर्ड देन रिजल्ट। अब सपोज कीजिए मैंने यूजर नेम गलत डाला, पासवर्ड भी गलत डाला, क्या लॉगिन होगा? नहीं। मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया, पासवर्ड सही डाला, लॉगिन होगा? नहीं। मैंने यूजर नेम सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, लॉगिन होगा? नहीं। मैं यूजर नेम सही डालता हूँ, पासवर्ड भी सही डालता हूँ, मेरा लॉगिन होगा? यस। तो आपका लॉगिन कब हुआ? जब आपकी सभी कंडीशंस मैट। अगर आपकी कंडीशंस मैट नहीं कर रही थी तो आप उस वर्किंग को परफॉर्म नहीं कर पा। सेकंड आता है मेरा लॉजिकल और ऑपरेटर। और में मेरे पास चॉइस होती है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेटर के साथ, और रिटर्न करता है आपका यस तब जब आपकी दोनों में से कम एक कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका सिर्फ तभी नॉट सेटिस्फाइड होता है जब आपकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई ना। तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं किस तरह से। अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी, दिल्ली इज कैपिटल इंडिया और यूके। तो मेरे लेफ्ट ऑपरेंड में इंडिया, राइट में यूके, स्टेटमेंट दिल्ली इज कैपिटल। दिल्ली कैपिटल है किसकी? इंडिया की और यूके। मैंने पहले क्वेश्चन पास किया, सपोज कीजिए चाइना, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ चाइना एंड यूके। क्या चाइना की कैपिटल दिल्ली है? नहीं। यूके की? नहीं। तो रिजल्ट फॉल्स। इसी तरह से मैं कहता हूँ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ चाइना और इंडिया, तो चाइना की कैपिटल नहीं है लेकिन इंडिया की कैपिटल है, आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इंडिया चाइना ट्रू। अब अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट ऐसी होती कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दू जहां पर वो दोनों कंडीशन ट्रू कर रही है, जैसे चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, तो वो हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी कैपिटल है, इस कंडीशन में वो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर परफॉर्म करता है, जहां पर रिजल्ट सिर्फ फॉल्स एक कंडीशन पे होगा जब आपके पास कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है। अगर आपके पास गिवन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी मैच करती है तो आप यहाँ रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड ऑपरेटर है यहाँ पर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ये अपोजिट कर देता है, जैसे मैंने कर दिया ए की वैल्यू 0 तो नॉट ए की वैल्यू होगी 1, अगर ए ट्रू है तो ए नॉट फॉल्स है। तो इस तरह से हम इस वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। आइए हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन। तो मैं यहाँ पर अपनी दो हेडर फाइल्स का यूज कर देता हूँ, जिसमें मैंने कर दिया इंक्लूड iostream.h इंक्लूड conio.h void main। और यहां पर मैं दो वैल्यूज पास कर देता हूं। चलो मैं यहां पर एक ही वेरिएबल ले लेता हूं, मेरा एक वेरिएबल से कम हो जाएगा, int a। मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज किया, आउट करवाया और यहां मैं दे देता हूं एंटर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, मैंने सी इन किया किसके अंदर? ए के अंदर। अब मैं सबसे पहले यहां पर चेक करता हूं कि जो मेरा ए है क्या वो 0 के इक्वल है और पॉजिटिव है। मैं करता हूं सी आउट ए इज पॉजिटिव
नंबर एंड इक्वल टू जीरो। तो मैं यहां स्लैश एन दे देता हूं नेक्स्ट लाइन के लिए, और मैंने यहां पर क्या किया, कंडीशन पास कर दी। क्या कंडीशन पास की, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू जीरो। तो मैं दोनों को इसको ब्रेसिस के अंदर ले लेता हूं ताकि मेरा एक्सप्रेशन मुझे इजीली समझ आ जाए और मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दे। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूं सी आउट स्लैश एन, ए इज पॉजिटिव नंबर एंड नॉट इक्वल टू जीरो। सेम इसी तरह से मैंने यहां भी कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव के लिए एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरी इतनी वर्किंग परफॉर्म हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, ये है मेरा एंड ऑपरेशन। आपको मैसेज से ही पास हो रहा है कि आप यहां एंड यूज कर रहे हो या और यूज कर रहे हो। सी आउट स्लैश एन, ए इज पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू जीरो, कि या तो वो पॉजिटिव है या जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहां भी मैं वैसे कंडीशन पास करता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से मैं यहां पर तीनों ऑपरेटर को यूज कर चुका हूं। देखिए मैंने नोट का सिंबल यूज कर लिया तो वो नोट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से मैंने एंड को भी यूज किया और मैंने और को भी यूज किया। तो अब मैं यहां पर इसको कर देता हूं गेट करेक्टर ताकि मुझे आउटपुट रिप्रेजेंट हो जाए। बाय मिस्टेक मेरे यहाँ सिंबल थोड़ा सा गलत हो गए थे। मेरे पास ये सिंबल है जो और के लिए यूज करते हैं हम, और मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो जैसे मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया मैंने कोई भी वैल्यू डाली, उसने कहा कि ए पॉजिटिव नंबर है और इक्वल टू है जीरो के। कहता है ए पॉजिटिव तो है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसने उसको जीरो कर दिया। ए इज पॉजिटिव नंबर एंड नॉट इक्वल टू जीरो, कहता ए पॉजिटिव भी है और जीरो के इक्वल भी नहीं है, इसलिए उसने वन कर दिया। अब कहते ए पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, मैं कंट्रोल एफ नाइन करता हूं और यहां डालता हूं माइनस नाइन। देखिए ए पॉजिटिव नंबर, कहता नो इक्वल टू जीरो नो, नेक्स्ट ए पॉजिटिव नंबर नो नॉट इक्वल टू जीरो नो, ए पॉजिटिव नंबर नो और इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल सॉरी और नॉट इक्वल टू जीरो, यस जीरो इक्वल टू ये नहीं है, तो इसलिए वो कंडीशन ट्रू आ गई। अब हम क्या करते हैं यहां पर नंबर पास कर देते हैं जीरो। तो देखिए ए पॉजिटिव है इक्वल टू जीरो है यस, ए पॉजिटिव है नॉट इक्वल टू जीरो है नो, ए पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू जीरो है तो यस। तो आप इस तरह से अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।